राइट नाउ इट्स 1:45 हम निकल चुके हैं रांची से. आपको लंच पे करके मिलेगा, मतलब लंच के लिए आपको पे करना पड़ेगा 180 rupees. वी आर इन चंद्रापुरा. यहाँ पे माइनिंग का काम बहुत सारा चल रहा है. आज है 6th of June एंड मैं हूँ रांची में. मैं आया था कल यहाँ पे एंड आज मैं निकल रहा हूँ कोलकाता. एंड वी आर गोइंग इन शताब्दी एक्सप्रेस एग्जीक्यूटिव क्लास में, जो रांची से चलती है कोलकाता के लिए अराउंड 1:45 को. और हम आज ही पहुँच जाएंगे रात में अराउंड 9:30. ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना. ये वाली जर्नी, मैं इस रूट पे पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब रांची से धनबाद तक तो मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ इस रूट पे. धनबाद से कोलकाता हाँ थोड़ा बहुत फैमिलियर हूँ मैं. अभी मैं पी रहा था अपनी कॉफ़ी. अभी हो रहे हैं, टाइम की बात करूँ तो लगभग अराउंड 12:40 हो रहा है, 1:45 को है. एंड मैं देख रहा हूँ आसपास अगर कोई लाउंज हो तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करें. लेकिन आई थिंक एक ही फूड प्लाजा है जो मेरे पीछे है, इसके अलावा तो कोई फूड प्लाजा नहीं दिख रहा. क्यों भैया, कोई लाउंज वाउंज है यहाँ पे? लाउंज रांची में अंदर नहीं स्टेशन के. तो ये रांची का जो स्टेशन है थोड़ा डेवलप हो रहा है, देख लो जो उसका इंटीरियर है, आई थिंक इन्होंने चेंज किया है. NDLS जैसा लग रहा है ये थोड़ा सा इंटीरियर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है. भैया कह रहे हैं कि काफ़ी सारे लाउंज हैं इस साइड है, तो जाके देखते हैं. थोड़े बहुत लाउंज अगर हुए तो थोड़े बहुत रेस्ट कर लेंगे. हालांकि कॉफ़ी मैंने पकड़ ली है. एंड अराउंड 1:15 को मैं चला जाऊंगा प्लेटफॉर्म नंबर 3, वहीं से हमारी ट्रेन है कोलकाता के. कोलकाता से कहाँ जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3. ये आ चुकी है हमारी ट्रेन और ये है मेरा कोच, एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास 2. अच्छा ये E1 है, सॉरी आगे वाला मेरा कोच है, तो ये E1 है, वो E2 मेरा कोच है सबसे लास्ट वाला. अभी जो है साफ सफाई के लिए उन्होंने बंद कर दिया है. एंड 12:53 हो रहा है अभी और हम निकलेंगे यहाँ से 1:45. तो मैंने पे किए हैं लगभग अराउंड 2,000 रुपये रांची के लिए, सॉरी हावड़ा के लिए. चेयर क्लास में ट्रैवल करते तो पे करते अराउंड 1,200 रुपये, तो 800 रुपये का फ़र्क है. लेकिन सर्विसेज में भी आई थिंक काफ़ी फ़र्क होगा. अभी साफ सफाई चल रही है अंदर. जो मेरी विंडो सीट है ना 13, वो विंडो नहीं है, वो वॉल सीट है. वॉल दो विंडोज़ के बीच में अटकी है. पता नहीं ऐसा होता कैसे, समझ नहीं आता. जब भी ट्रैवल करो ना एग्जीक्यूटिव में, कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ ज़रूर होती है. इस बार क्या हुआ है कि वो जो विंडो के बीच में विंडो होती है ना, मतलब दीवार, वो दीवार दे दी है मुझे दीवार. ये है मेरी सीट, ये देख लो. और विंडो के नाम पे क्या मिला है, दीवार. सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे वीडियो में. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेजोन पे चल रही है मॉनसून सेल फ्रॉम 7th to 11th. एंड मैंने सोचा कि यार कितना सही मौका होगा अपने लिए कुछ शॉपिंग करने का. इतना ट्रैवल करता हूँ तो टी शर्ट, मेरे को कपड़े बहुत बदलने पड़ते हैं. तो ये टी शर्ट मैंने ली है अमेजोन से. एंड भाई क्या फिटिंग है, क्या क्वालिटी आई है इस टी शर्ट की. आप भी खरीद सकते हो, 7th से 11th है मॉनसून सेल. तो मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में इस टी शर्ट का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अपने लिए. अगर आपके पास HDFC का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्या प्राइजेस मिलेंगे. ये जो मुझे प्राइस पे मिली है ना, ऐसी क्वालिटी अनबिलीवेबल है. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, गो चेक आउट नाउ. सकते हो लेग स्पेस एक नंबर है, हर के लेग स्पेस दिया हुआ है इसमें. खुल के आराम से बैठो. पीछे भी जो ये चीज़ है ना, ये काफ़ी कंफर्टेबल है. सॉकेट वगैरह दिए हैं इधर, दो सॉकेट दिए हैं, एक नहीं दो दिए हैं. एंड एक से चलते हैं दोनों. एंड वहाँ पे रीडिंग लैंप्स दिए हैं. ये सब इंटीरियर है, काफ़ी बढ़िया है. ये अलग आवाज़ कर रही है, धौड़ धौड़ धौड़. यहाँ से हावड़ा है 460 किलोमीटर और यहाँ से निकल के हमारा अगला स्टॉप है मुरी, ठीक है, 60 किलोमीटर बाद. तो धनबाद तक आई थिंक जो हमारा रूट है वो सिंगल डबल है आई थिंक सो. धनबाद के बाद जो है थोड़ा बेटर हो जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी आई थिंक सो. बाकी अब देखते हैं, मैं तो पहली बार हूँ यहाँ पे, तो इसलिए अपन तो भाई अनजान ही है. राइट नाउ इट्स 1:45, हम निकल चुके हैं रांची से फाइनली. एंड थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे हैं, मौसम शायद थोड़ा अच्छा हो जाए. कुछ सीट्स हैं पीछे खाली हैं, सोच रहा हूँ अगर वहाँ पे कोई नहीं आया तो वहाँ चला जाऊँगा, बिकॉज बीच में बैठने का मतलब नहीं है. और ऐसे दीवार मिली है. मैं एक्चुअली पीछे आके बैठ गया हूँ, बिकॉज पीछे बैठने का अलग ही मज़ा है. यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, वहाँ पे लोग भी थे
खाना वाना भी रिव्यू करना होता तो वो भी प्रॉब्लम होती। अब जो यहाँ पे आएगा, मैं अगर मान जाते हैं वो आगे जाने के लिए तो मैं आगे भेज दूंगा, वरना कोई बात नहीं। सो फार सो अमेजिंग है। बाय द वे, रांची से निकल चुके हैं और हमारा लंच आने वाला है, मुझे भूख भी लग रही है बहुत तेज़। लेट मी टेल यू, हमको मिलेगा लंच, हमको मिलेगा स्नैक्स शाम का और मिलेगा डिनर, तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि वर्थ है, मतलब एक इसमें ट्रैवल करना वर्थ है, तीनों चीज़ें मिलेंगी ना तो मज़ा आएगा। एंड हाँ, बाय द वे 460 किलोमीटर्स है, उसको कवर करने में टाइम काफ़ी लग रहा है। आई थिंक रूट थोड़ा सा ख़राब सा है। आई थिंक मुरी से कोई आ जाएगा इधर, काश की सीट मिल जाती, बट कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँगा आगे, जो है अपने पास उसी में अपन खुश हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो भी ना मिलती तो हमें मिली है पानी की बॉटल्स, मिले हैं सैनिटाइजर, फिलहाल तो यही मिला है, जो जो मिलेगा मैं बताता जाऊँगा। अभी जो मेरी सीट है ये टेम्प्रेरी है, आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा, आई थिंक सो आगे। हाँ, लंच इज हियर, बिलीव मी, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है। आपको लंच पे करके मिलेगा, मतलब लंच के लिए आपको पे करना पड़ेगा 180 रुपीज़, बाकी जो स्नैक्स हैं एंड जो डिनर है वो मिलेगा फ्री। तो ये अतरंगी चीज़ है कोई मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाकी मैंने मंगाया है नॉन वेज, बाकी जो डिनर है मैं करूँगा वेज, डिनर करूँगा वेज और ये खाऊँगा नॉन वेज। तो इसमें देखते हैं क्या क्या मिला है, काफ़ी बेसिक है। ये मिली है दही, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ये जो है परौंठे लग रहे हैं मुझे, ये है चावल, ये होगी दाल, ये है दाल एंड ये होगा चिकन एज यूजल। तो पहले टेस्ट करते हैं। और हाँ, एग्जीक्यूटिव में होके ये लोग पूरा प्लास्टिक में लाए हैं सामान, आई थिंक एग्जीक्यूटिव में तो हमको पूरा कटलरी में मिलना चाहिए, इसमें उन्होंने प्लास्टिक में दिया है वो सामान। दाल मुझे दिखने में तो काफ़ी एवरेज लग रही है, सच बता रहा हूँ, बाकी खा के देखते हैं कैसी है। बहुत ही एवरेज है, आई वुड गिव 7/10, मुझे अच्छी नहीं लगी। चिकन ट्राई करते हैं एक बार, चिकन की ग्रेवी मुझे बहुत पतली लग रही है, ये भी काफ़ी एवरेज है 7/10। बाकी अब स्नैक्स और डिनर देखते हैं। बाकी ये तो मैंने अलग से मंगाया था 180 रुपीज़ देख के, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा एवरेज ही आया है। तो मैंने कॉफ़ी मंगाई थी, या कॉफ़ी भी लेके आए हैं प्रॉपर बना के, पर हाँ ये कटलरीज नहीं चल रही, यहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें चल रही है। अब आएगा हमारा स्नैक्स, बाकी डिनर मैंने कर लिया है। और भाई क्या नज़ारे चल रहे हैं बाहर, उस साइड क्या नज़ारे हैं, प्रॉपर ग्रीनरी है भाई। मतलब जब से मैं दिल्ली से भी आया ना, यहाँ पे हर चीज़ बहुत ग्रीन है। झारखंड में सुनने में आता है सितंबर अक्टूबर नवंबर यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, होता ही होगा, बनी बात है, समंदर से थोड़ा दूर है, ह्यूमिडिटी है नहीं, हवा बहुत चलती है इधर, मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। वो देखो कैसा टर्न है, पूरा प्रॉपर टर्न है। कॉफ़ी एक नंबर लेके आए हैं, बहुत बढ़िया कॉफ़ी है। खाने से तो जो मतलब खाना रहता है ना, उससे तो लाख गुना अच्छी है। मतलब खाने को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि आप खाने को रेटिंग मत दिया करो। गाइस, ऑफ कोर्स खाना खाना होता है, खाने के बिना जीवन नहीं है, अच्छा हो बुरा हो हमें खाना चाहिए। बट ठीक है, देखिए एज अ ब्लॉगर मेरी ड्यूटी है ना कि मैं खाने को एग्जैक्टली बताऊँ कैसा है कैसा नहीं है, ताकि और इम्प्रूवमेंट हो सके। अच्छा, कई लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई लोग ना मतलब नेगेटिव सुनना नहीं चाहते, मतलब दे डोंट वॉन्ट टू सी द रियलिटी, सच नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि हर चीज़ को बस अच्छा अच्छा ही बोला जाए। ऐसा नहीं होता गाइस, कई बार चीज़ें अच्छी होती हैं तो अच्छा बोलो, बुरी है तो बुरा बोलो, जो है वो दिखाओ। एज अ ब्लॉगर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सच दिखाऊँ, चाहे वो कड़वा हो चाहे वो मीठा हो, सच तो सच है ना, और सच ही सब कुछ है। क्या नज़ारे चल रहे हैं, इधर भी नज़ारे हैं उधर भी नज़ारे हैं, प्रॉपर इट लुक्स ब्यूटिफुल यार, वो देखो इतना सुंदर लग रहा है अभी भाई झारखंड, क्या बताऊँ मैं आपको। बाहर गया थोड़ा बहुत कैप्चर करने के लिए, लेकिन इतने नज़ारे हैं ना कि एक घंटा भी बाहर खड़ा हो जाऊँगा तो नज़ारे खत्म नहीं होंगे। 250 राइट नाउ, नहीं 240 राइट नाउ एंड वी आर इन मुरी, तो लगभग अराउंड 50 किलोमीटर हमने कवर किए हैं रांची से। यहाँ का मौसम जो है गर्म है, लेकिन बादल होने की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बाहर। और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ अभी, कॉफ़ी और ट्रेन ये अलग कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली हम 10 मिनट बिफोर आए हैं, तो यहाँ पे हम बैठ सकते हैं थोड़ा, एंड काफ़ी बढ़िया स्टेशन है मुरी। इसके बाद आई थिंक हमारा अगला स्टॉप बोकारो स्टील सिटी है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं बोकारो से, तो अगर आप ये वीडियो बोकारो से देख रहे हो तो मुझे बताओ कमेंट्स में कि आप बोकारो से हो, फिर अच्छा लगेगा जान के। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कॉलेज में बोकारो से थे, एंड आई थिंक अगला स्टॉप या इसके बाद के बाद वाला बोकारो है। मैं अंदर ही आ गया, बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अंदर ही ठीक है, अंदर समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाहर गर्मी है और मौसम ऐसा हो रहा है, मतलब अंदर से बाहर देखने में मज़ा आ रही है लेकिन बाहर जाने में गर्मी लग रही है।
सो राइट नाउ इट्स 3:06 और हमारा स्नैक्स आ चुका है. अलग चीज़ इसमें क्या है, इस बार देखो हमको लड्डू दिया हुआ है, बढ़िया से लड्डू दिया हुआ है. एंड यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे शायद कचौड़ी या समोसा पता नहीं क्या है. तो ये दिया हुआ है, छोटी सी कचौड़ी है पता नहीं कोई, और ये है लड्डू एंड ये है सैंडविच. तो भाई एक बार खा लिया मैंने, अब नहीं खाऊंगा. ये वाइट ब्रेड का सैंडविच है, इस बार नहीं खाऊंगा. एंड साथ में हमको दिए हैं ये आलमंड्स, ये आलमंड्स हैं, ये लड्डू है एंड हाँ चाय इसमें मिलेगी. थैंक यू भाई. थोड़ा सा गंदा है ग्लास, अंदर से ग्लास थोड़ा सही नहीं है. इसके अलावा यहाँ पे जो कटलरीज दिए हैं हमको, वुड की कटलरीज दिए हैं. ये है स्नैक, मतलब नॉर्मल है, इतना कुछ खास अलग नहीं लगा मुझे. तो यहाँ पे हम 15 मिनट बिफोर आए हैं. अभी तक जो हमने नाश्ता किया वो काफी बढ़िया था. लड्डू जो था वो थोड़ा अलग था. बाकी चाय कॉफी सुबह से 3-4 बार हो गई यार, ज्यादा पी ली. मिलती गई, अपन पीते रहे. अपन चाय कॉफी को रिजेक्ट करते नहीं है. आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हो वो भी चाय कॉफी को रिजेक्ट नहीं करते. तो अब पी लिए बहुत सारी. अब आएगा हमारा डिनर जो कि सीधा रात को आएगा. 4 बजे निकलेंगे यहाँ से. आई थिंक इसके बाद हमारा अगला स्टॉप है धनबाद. सो फार द जर्नी हैज बीन अमेजिंग. 39 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री जाएगा अभी इधर. तो यहाँ पे जो है ज्यादा गर्मी है कम्पेयर टू रांची. यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि बादल आ गए हैं. तो बादल आ गए हैं चक्कर में, थोड़ा सा ना अभी ठीक ही लग रहा है, इतना खराब नहीं लग रहा. सो फार वी हैव कवर्ड अराउंड 113 किलोमीटर्स, 113 किलोमीटर कवर किए हमने रांची से. और यहाँ से 460 माइनस 113 कर दो, उतना है कोलकाता. धनबाद के बाद ज्यादा डिस्टेंस है, पर धनबाद के बाद हमारी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, तो इसलिए जो है स्टेशन जल्दी जल्दी आने लगेंगे. और अभी जो है थोड़ी सी नींद भी आ रही है, बस यहाँ से निकल के थोड़ा सा रेस्ट करूंगा 5-6 बजे तक. एंड आई एम श्योर कि हावड़ा हम आधा घंटा 1 घंटा बिफोर पहुंचेंगे. आई थिंक सो. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बहुत जल्दी एक गिव अवे रखने वाला हूँ, तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही होगा, यहाँ पे नहीं होगा. तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में. हैरिस को भी फॉलो कर लो, मेरा दूसरा चैनल जहाँ पे लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स आएंगे, आने वाले हैं. फटाफट हैरिस पे करा दो 2000 सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स करा दो इंस्टाग्राम पे 4000, अभी हैं 3600 कुछ. कोशिश करो, ट्राई करते हैं. राइट नाउ इट्स 4:22 एंड वी आर इन चंद्रापुरा. आसपास बहुत ग्रीनरी है इधर. 2 मिनट का स्टॉप है लेकिन हम यहाँ पे काफ़ी बिफोर आ गए हैं एज यूजुअल. एंड बाहर जो है ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम कोलकाता के पास जाएंगे वैसे वैसे जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती जाएगी. हल्की हल्की नींद आ रही थी मुझे, बट लॉगिंग को कैसे छोड़ सकते हैं, लॉगिंग थोड़ी ना छोड़ने वाली चीज़ है. सो फार वी हैव कवर्ड अराउंड 128 किलोमीटर. अगला स्टॉप है धनबाद, 50-60 किलोमीटर बाद है. आई थिंक वहाँ पे भी हम बिफोर आएंगे. तो अभी हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है. धनबाद से हम जाएंगे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, एंड देन मतलब आसनसोल से फिर दुर्गापुर यहाँ पे, एंड देन यहाँ से हम जाएंगे कोलकाता. यहाँ पे माइनिंग का काम बहुत सारा चल रहा है, तो अगर किसी को पता है कि किस चीज़ की माइनिंग होती है इधर तो मुझे कमेंट करके बताओ. एंड अभी हम बोकारो से आ गए हैं. किस चीज़ की माइनिंग चल रही है कमेंट डाउन बिलो. सो राइट नाउ इट्स 5:38 एंड वी हैव रीच्ड धनबाद. अभी तक की जर्नी काफ़ी कमाल की रही है. एंड यहाँ पे जो मौसम है ह्यूमिड है, बट फिर भी ठीक है, हवा चल रही है ना तो ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाती है. अभी तक हमने कवर किए हैं लगभग अराउंड 160 किलोमीटर, मतलब 160 किलोमीटर कवर किए हमने अभी तक रांची से. उतना ज़्यादा कवर नहीं किया और टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि अभी तक ट्रैक तो थोड़ा ख़राब था. अभी यहाँ से ट्रैक थोड़ा बढ़िया है, तो जो है हमें स्पीड थोड़ी अच्छी मिलने वाली है यहाँ से. पीछे जहाँ पे हम आ रहे थे ना, इतनी सारी माइनिंग थी भाई, हर 1-2 किलोमीटर पे माइनिंग चल रही थी. कमेंट करके जरूर बताना मुझे वो किस चीज़ की माइनिंग हो रही थी एंड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादा है इस वाले एरिया में, मतलब बोकारो से धनबाद के बीच में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है भाई, किस चीज़ की माइनिंग हो रही थी मुझे बताओ. एंड झारखंड भाई, झारखंड से जो भी देख रहा है मज़ा आ गया भाई. मेरा पहला एक्सपीरियंस था झारखंड में, बहुत अच्छा था, खासकर इन टर्म्स ऑफ वेदर. साफ सफाई भी अच्छी है और भाई ग्रीनरी यहाँ पे यार माननी पड़ेगी. हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सीधा आसनसोल, देन है रानीगंज, फिर दुर्गापुर. 2-3 स्टॉप्स ही हैं एंड देन हम पहुँचेंगे रात में अराउंड 9 बजे तक हावड़ा. लिखा है 9:30, बट आई थिंक सो 30-40 मिनट बिफोर आ जाएंगे, लगता तो ऐसे ही है. धनबाद से हम निकल चुके हैं,
बट एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी कि आई थिंक ना अटेंडर बेल होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव क्लास में, आई थिंक पूरे ट्रेन में होनी चाहिए, सिर्फ एग्जीक्यूटिव में नहीं चेयर कार में भी होनी चाहिए। तो मैंने मंगाई एक्स्ट्रा चाय 2 मिल्क पाउडर के साथ एंड भैया दे गए हैं। यहाँ पे बना के देने वाला सीन नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी, बट दे गए हैं बेचारे, खुद बनाते हैं, इसको स्टिक वगैरह भी दी है। तो ये भैया जो है ना एक्चुअली ये कह रहे थे कि मैंने आपको देखा हुआ है कहीं पे, आप पहले ट्रैवल किए हो क्या इस ट्रेन में? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं किया हूँ। फिर मेरे को याद आया अच्छा मोहित भाई ने ट्रैवल किया था इस ट्रेन में, तो शायद मोहित भाई की वीडियो में ये आए थे। तो मैंने बोला कि मेरे भाई मेरे दोस्त हैं उन्होंने ट्रैवल किया होगा। अब इसको पीते हैं फाइनली एंड यहाँ पे क्या अब हम आ गए ईस्ट में, यहाँ सनसेट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। राइट नाउ इट्स 6:31, हमारा सूप जो है वो आ चुका है। बाय द वे ये बना के लाए हैं अंदर से, कोई नॉर और का सीन तो नहीं था, बट हो सकता है कि नॉर का ही सूप इन्होंने अंदर बनाया हो। ये है स्वीट कॉर्न, काफ़ी टेस्टी लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, एंड ये है ब्रेड स्टिक्स। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है ये सूप। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सूप है, 9.5/10। मैंने कभी सूप को इतना ज़्यादा नहीं दिया रेटिंग, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉपर स्वीट कॉर्न सूप है, प्रॉपर मसाले हैं इसमें, नॉर का तो नहीं हो सकता, इतना टेस्टी नॉर का तो नहीं है। Right now 6:33, we are reaching Asansol, 2 मिनट के स्टॉप है इधर, एंड मैं सूप ही पी रहा हूँ वैसे तो, बाहर नहीं जाऊँगा सूप छोड़ के, खाना छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। वी आर एंटरिंग आसनसोल, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, एंड जगह भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी फेमस है। सो राइट नाउ इट्स 7:12, वी आर इन दुर्गापुर। तो सो फार वी हैव कवर अराउंड 262 किलोमीटर्स, यहाँ से हावड़ा है अराउंड 140-150 होगा, 145 किलोमीटर्स यहाँ से हम करेंगे अराउंड 1-1.5 घंटे में कवर। तो यहाँ से काफ़ी लोग उतर रहे थे ना, तो उतरने का टाइम नहीं मिला, अगला स्टॉप स्ट्रेट हावड़ा है अराउंड 140 किलोमीटर्स बाद, और बिलीव मी यहाँ तक आने में इतना टाइम लग गया, लेकिन यहाँ से हावड़ा हमें 1 घंटा लगेगा बस, सोचो कितना फर्क है। ये हमारा आ चुका है डिनर, प्लेट एट तो कुछ भी नहीं दी, इसी में दिया है तो, मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल करो या नॉर्मल में कुछ फर्क ज्यादा है। एंड मैंने लिया है वेज, ये है चावल, तो ये लग रहा है मुझे दाल। ओहो, इसे पनीर मखानी दिया है बॉस, ये पहली बार दिया है गाइस कि पनीर मखानी मिला, प्रॉपर पनीर मखानी है ये, तो कोई तरी हरी का कोई रोल नहीं है। ये है और ये है हमारी फेवरेट आलू की सब्जी, और ये है पराठे। सबसे पहले काम करते हैं, और कटलरी तो नहीं है बस, हाँ इसके लिए दिक्कत है भाई, कटलरी होनी चाहिए। तो पहले टेस्ट करते हैं ये पनीर मखानी, जो प्रॉपर पनीर है, इसको मैं रेटिंग दूंगा 9.5/10, बहुत टेस्टी है बॉस, बहुत टेस्टी है। ट्रेन में ऐसा खाना तो ऐसा पनीर नहीं मिला मुझे, मतलब इतनी क्वालिटी वाला दिल्ली वाला पनीर लग रहा है मुझे, और दाल नहीं मिली है, दाल की जगह उन्होंने ये दे दिया है, क्योंकि दाल का पैसा इसमें लगा दिया है मुझे लग रहा है तभी दाल नहीं है, आलू की सब्जी थी, और ये बहुत टेस्टी होगी, ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है भाई, ये भी बहुत अच्छी है, ये तो खैर पूछो मत, और ये चावल और ये रोटी, और हाँ आइसक्रीम आएगी, वही आएगी वनीला एज यूजुअल। ये दाल भी दे गए हैं, मुझे लग रहा था कि दाल नहीं है, दाल दे गए हैं, तो दाल को भी टेस्ट कर लेते हैं। दाल 8/10 दे सकते हैं, अच्छी है। मैंने पनीर मंगवाया था एक्स्ट्रा और परौंठे मंगवाए थे एक्स्ट्रा, तो उसका कह रहे थे कि आपका पैसा लगेगा। अरे यार ये तो खा के मर गए यार, मर गए खा के। हमको मिली है पास, ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब ये कुछ डिफरेंट मिला है। हम अभी 6.5 किलोमीटर दूर हैं हावड़ा से, आ ही गए कोलकाता। राइट नाउ इट्स 9:04 और लगभग आधे घंटे बिफोर हम कोलकाता आ चुके हैं। तो ये मिस देख के समझ गए होंगे कि कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। वी हैव कवर्ड अराउंड 420 किलोमीटर्स एंड आप रश देखो यार, भयंकर रश है इधर। लॉग एंड करता हूँ मैं होटल जाके, क्योंकि यहाँ फॉग भी बहुत ज़्यादा है। तो रात में बहुत बढ़िया लगता है गाइस, ये है ओल्ड कॉम्प्लेक्स, ये है एक है न्यू कॉम्प्लेक्स जहाँ पे वो डोमिनोज पिज्ज़ा वगैरह मिलेंगे। मैंने कैब बुक कर ली थी, मैं जा रहा हूँ अपने होटल, एंड कैब के रेट तो आप पूछिए मत, अलग लेवल के बहुत ज़्यादा हैं, खासकर कोलकाता में मैंने देखा है कि कैब के रेट बहुत ही ज़्यादा हैं, एक्सट्रीम है। मैं कोलकाता आ गया था एंड कोलकाता छोड़ो, अभी तो मैं कहीं और ही हूँ। आपको दो दो व्लॉग्स मिलेंगे, एक तो ये वाला मिलेगा जो आप देख रहे हो, इसके बाद आपको एक और मिलेगा, बहुत मज़ेदार मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको वाला व्लॉग पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छी सर्विस थी एंड डिनर तो हमको बहुत अच्छा मिला, हालांकि कटलरी में होता तो और बढ़िया होता, लेकिन डिनर बॉस एक नंबर था, ठीक है। यहाँ तक व्लॉग देख रहे हो तो लाइक ज़रूर दबाना एंड कमेंट करके बताना कि वो इंडस्ट्री किस चीज़ की है वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप बोकारो से देख रहे हो या फिर आप धनबाद से देख रहे हो या फिर अगर झारखंड से हो तो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा एंड मुझे सब्सक्राइब करना हैरिस पे, जो अलग चैनल है लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्लॉगिंग का, एंड फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर,
जहाँ पे मैं गिव अवे करने वाला हूँ. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. टेक केयर. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. लव यू ऑल. Thank you.